हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाइल्ड मशीन्स। और आज जो मैं गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ वो है मारुति सुजुकी सियाज जीटा वेरिएंट BS6 2022 मॉडल है, ब्लैक कलर में। मैं इसके सारे डिटेल रिव्यू दूंगा आपको इस वीडियो में। प्रीमियम सेगमेंट में आती है मारुति के, नेक्सा में पर्टिकुलर आपको जाके लेनी पड़ेगी नेक्सा के। स्टार्ट करते हैं इसकी की के साथ। की आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है जो कि मारुति के हर गाड़ी में, यही टॉप में आपको यही वाली की देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो कोई भी सेगमेंट की गाड़ी हो। सो इसमें बहुत बेसिक की देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको तीन फीचर देखने के लिए मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट ओपन का। ऊपर सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और ये कीलेस एंट्री है तो आपको ऐसी की देखने के लिए मिलती है इसमें। कि अगर गाड़ी की मैं बात करूँ तो फ्रंट लुक में आपको एक बहुत बड़ा आपको हेडलैम्प देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। उसी के साथ आपको साइड में आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हैलोजन में मिलता है आपको। नीचे की तरफ आपको एक बहुत बड़ी DRL देखने के लिए मिल जाती है, जिसको मैं अभी जला के भी दिखा दूंगा। नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प देखने के लिए मिल जाता है, बहुत शानदार लुक दे रखी है। इसमें जो आपका बल्ब है वो अंदर की तरफ दिया हुआ है। वहीं फ्रंट ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट ग्रिल आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर। वहीं पे ऊपर आपको एक क्रोम बीडिंग देखने के लिए मिल जाती है बोथ साइड, ऊपर और नीचे की तरफ, जो कि बहुत अच्छा लुक देती है। DRL के साथ साथ आती है, यहाँ से कंप्लीट दोनों लैंप्स को इंटरकनेक्ट करती है। वहीं पे अगर मैं साइड प्रोफाइल की गाड़ी की मैं बात करूँ तो साइड में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स, जो कि सिल्वर फिनिश में है, क्योंकि ये सियाज जेटा मॉडल है तो इसके अंदर आपको सिल्वर वो देखने के लिए मिलते हैं। इससे एक और टॉप एंड वेरिएंट जो आता है उसमें आपको डायमंड कट अलॉय देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं वहीं पर टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो टायर प्रोफाइल आप देख सकते हैं 185/65R15 15 इंचज के आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलते हैं विद अलॉय व्हील्स। वहीं पर साइड लुक की अगर मैं बात करूँ तो ORVM, जिसमें आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है बोथ साइड्स। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड देखने के लिए मिल जाता है। फ्यूल की अगर मैं बात करूँ तो ये पेट्रोल में आती है तो फ्यूल आपको 43 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं बैक प्रोफाइल की गाड़ी की बात करूँ तो बहुत शानदार लुक आ रही है गाड़ी की। आप देख सकते हो फुल LED सेटअप देखने के लिए मिलता है आपको पीछे की तरफ विद हैलोजन बल्ब देखने के लिए मिलता है। जो ब्रेक दबाते हैं तो हैलोजन मिलता है, बाकी आपकी हेडलाइट्स ऑन करने पर आपकी LED लाइट्स जलती हैं। पीछे की तरफ आपको नीचे रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं विद सिल्वर फिनिश आउटर रिंग के साथ आपको। वहीं पे पीछे आपको 4 सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आपको जज करते हैं। वहीं पे नीचे की तरफ आपको एक हिडन कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बैक गियर पर रिवर्स पर ही आपको शो करता है एज़ यूजल, जो हर गाड़ी में करते हैं। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है, सेंटर पर सुजुकी का लोगो और वहीं पर सियाज की बैचिंग देखने के लिए मिल जाती है। बैक अगर शीशे की बात करूँ तो आपको यहाँ पे डिफॉगर अवेलेबल हो जाता है इस वाले सेगमेंट में। की तरह आपको बूट माउंटेड एक टेल लैंप देखने के लिए मिल जाता है, जो रात में काफ़ी इजी होता है। वहीं पर अंदर की तरफ में अगर मैं बात करूँ तो इसमें कर्टेन देखने के लिए मिलता है, जो कि इसका एक अच्छा यूनिक फीचर है, जो कि जल्दी से आपको किसी सेडान में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ करके हुक कर सकते हो। बैक से कुछ ऐसी लुक आती है गाड़ी की, आप देख सकते हो बहुत बड़े आपको टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी के। अगर वहीं पर मैं आपको इसका बूट दिखा देता हूँ, बूट में काफ़ी सारा सामान भरा हुआ है तो बूट आपको देखने के लिए मिल जाता है 510 लीटर का, काफ़ी बड़ा बूट है, अंदर तक काफ़ी स्पेस है, आराम से दो बंदे भी लेट सकते हैं इसमें। वहीं पर अगर मैं स्पेयर टायर की बात करूँ तो गुडियर का देखने के लिए मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 185/65R15 तो सेम आपको यहाँ पर स्टेफनी का टायर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो नीचे लगा हुआ है, जिस तो इसमें कॉस्ट कटिंग नहीं करी। अगर मैं लुक की बात करूँ तो बहुत शानदार लुक आ रही है ब्लैक कलर में, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। हालांकि मेरे को ये वाइट कलर में अच्छी लगती थी, बट मैंने इसका पहली बार इतने पास से ब्लैक कलर देखा तो मेरे को तो काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी देखने में। सियाज मारुति का एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, जिसके राइवल की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉम्पीट करती है हुंडई वरना, हुंडा सिटी, स्कोडा रैपिड वगैरह। मगर वहीं पर अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो इस प्राइस रेंज में आपको कोई सी भी उनमें से गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है। अगर मैं इसी की मैं बात करूँ, ये पर्टिकुलर जो वेरियंट आप देख रहे हो, ये मॉडल है मारुति सुजुकी का जीटा, इसके अंदर आपको ये दिल्ली में ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख के अराउंड आपको दिल्ली का एक शोरूम प्राइस देखने के लिए मिलता है। वहीं पर अगर ऑन रोड की बात करूँ तो 11.5 के लमसम आपको ये गाड़ी पड़ जाती है ऑन रोड। गाड़ी के अंदर यहाँ से आप रिक्वेस्ट सेंसर के साथ इसको गाड़ी को ओपन कर सकते हो, एक बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट डोर ड्राइवर साइड का ऐसा देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर एक वुडन टच दे रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम टच देखने के लिए मिलता है गाड़ी पर। वहीं पर यहाँ पर अपोस्ट्री दे रखी है, थोड़ा कपड़े का यूज़ किया हुआ है प्रीमियम टच देने के लिए। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, तो चारों पावर विंडोज़ देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पर आपको ड्राइवर साइड वाली ऑटो डाउन ऑटो अप देखने के लिए मिल जाती है,
चाइल्ड लॉक मिल जाता है, लॉक अनलॉक का बटन देखने को मिल जाता है, और वहीं पे आपको जो एज़ यूजुअल मारुति हर उसमें दे रही है अपना, ये वाला सेटअप कॉमन ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप अपने ORVM फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, ऑन करने के बाद यहाँ से आप सेट कर सकते हो लेफ्ट राइट। और इसमें एक सबसे प्यारी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको क्रोम टच दिया हुआ है डोर ओपन और क्लोज करने के लिए। सीट की अगर मैं बात करूँ तो आपकी हाइट एडजस्टेबल सीट आपको इस वाले मॉडल में देखने के लिए मिल जाती है। जाहिर सी बात है टॉप एंड मॉडल तो नहीं है, सेकंड टॉप मॉडल है, तो ये सब फीचर्स तो होने ही चाहिए गाड़ी में। अब मैं अंदर आ चुका हूँ गाड़ी के, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिल जाता है, फॉग लैम्प का बटन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एसी वेंट की अगर मैं बात करूँ तो एसी वेंट काफ़ी बड़े मिल जाते हैं, विद सिल्वर फिनिश के साथ मिल जाते हैं, टू साइड आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके लाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ से आप ऑटो पे कर सकते हो अपनी जो DRLs वगैरह, वो डे लाइट दिन में जलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ से आप अपने सारे वाइपर्स के कंट्रोल्स देख सकते हो। ऊपर की तरफ आपको मैनुअली रियर व्यू मिरर देखने के लिए मिलेगा, डे एंड नाइट का आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। रिवर्स पार्किंग कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो ये देख सकते हो, रिवर्स लगाने के बाद कैमरा कुछ ऐसा मिलता है विद गाइडलाइंस के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर नीचे की तरफ आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है जिसके अंदर आप अपने एसी के कंट्रोल्स देख सकते हो। वहीं पर अगर मैं आपको स्पीडोमीटर की बात करूं तो स्पीडोमीटर में आपको सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पर ऊपर की तरफ मैं आपको सेंटर पे एक MID देखने के लिए मिल जाती है काफ़ी बड़ी, जिसमें मैं MID के फीचर्स कुछ छोटे मोटे दिखा देता हूँ। जैसे मैं पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो वो दिखा रहा है हमें सारे सुजुकी का एक लोगो बनाता है बहुत प्यारा, सेंटर पे एक MID दी हुई है काफ़ी बड़ी। ऊपर की तरफ आपको एक इल्यूमिनेशन लाइट देखने के लिए मिल जाती है, ये सारे फीचर्स दिखा रहा है कि अभी आपका एक डोर खुला हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि आप इसके स्टिक के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसको बार बार पुश करूँगा या रोल करूँगा, ये दिखा रहा है आपको सारे फीचर्स वगैरह दिखा रहा है। तो इसमें स्मार्ट हाइब्रिड का ऑप्शन भी आता था, उसकी भी एक आपको शो दिखाएगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये दिखा रहे हैं, यहाँ पे इंजन है हमारा, यहाँ पे मोटर लगी हुई है और पीछे की तरफ हमारी बैटरी है। तो कितनी बैटरी बची हुई है, 5 दे रखी है, 2 हमारे पास बैटरी अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ें शो करता है इसमें। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इसमें देखने के लिए मिल जाती है आपको। आप एक लुक देख सकते हो गाड़ी की, जो एक वुडन क्लैडिंग दी हुई है गाड़ी पर, डोर से आपके डैशबोर्ड पर आई हुई है, बहुत शानदार लगती है दोनों तरफ से फील आती है। यहाँ पर आपको एयरबैग्स की बैजिंग दी हुई है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिल जाता है। हॉर्न मैं सुना देता हूँ कैसा होता है, ड्यूल हॉर्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रूज़ देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी का, क्रूज़ कंट्रोल भी आपको इसमें मिलता है। यहाँ पे एक एनिमेशन बनाता बड़ा प्यारा, आप देख सकते हो ये शो कर रहा है कि गाड़ी का एक डोर ओपन है, वो रेड भी किया हुआ है ताकि अच्छी तरीके से मिल जाए। यहाँ पे मीटर में आप देख सकते हो एनालॉग मीटर देखने के लिए मिलते हैं आपको, RPM और स्पीडोमीटर दोनों। यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग भी देखने के लिए मिलती है, फ्यूल का इंडिकेशन भी आपको एनालॉग देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे गाड़ियों में लगती है, मैनुअली टेम्परेचर का साइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से आप अपना सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो इसकी, दोनों तरफ आपको सेटिंग करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। वहीं पे नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ, एज यूजुअल जो मारुति है अपनी हर गाड़ी में देती है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं वॉइस वगैरह के, कॉल रिसीव और कट के। यहाँ पे अगर मैं इंफोटेनमेंट की बात करूँ तो 7 इंच की आपको टच स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है नीचे की तरफ पे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हो, यहाँ से ब्लोअर की स्पीड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, जिसमें कि भाई ने अपने चार्जिंग वगैरह की केबल लगा रखी है। यहाँ पे आपको ऑक्स देखने के लिए मिल जाती है इसके नीचे की तरफ, और USB पोर्ट दे रखा है। इसमें आपको अभी भी सी टाइप चार्जिंग का कोई सॉकेट अवेलेबल नहीं होता है, नीचे की तरफ काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पे अगर मैं गियर की बात करूँ तो गियर आपको 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक शो हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है ताकि आप ईजिली एक्सेस कर सकें हैंड ब्रेक को। आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। मैं इसके स्पेस की बात करूँ तो स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है, स्पेस आपको ना के बराबर ही मिलता है इसमें, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे लगा। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाता है आपको, यहाँ से आपके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ माइक मिल जाता है, यहाँ से भी आप मैनुअली भी पर्टिकुलर एक लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, ये भी अच्छा। वैनिटी में आपको टॉप एंड वेरियंट होने के बावजूद भी ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, को पायलट की तरफ आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं ब्लाइंड स्पॉट की बात करूँ गाड़ी में, तो बिल्कुल भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलता, ये
नहीं बनता है इसमें कहीं पे भी, ड्राइविंग बहुत कंफर्टेबली आप कर पाओगे इसकी। हालांकि ये इससे पहले जो गाड़ी आती थी SX4 जो कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है, उसमें गाड़ी बहुत शानदार थी वो भी, बट उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि आपका ब्लाइंड स्पॉट बनता था जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात थी। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है कुछ भी सामान वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे आपको सबसे शानदार चीज़ एक और मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक कवर मिलता है जो कि अगर मैं ऑक्स वगैरह नहीं यूज़ कर रहा हूँ तो ये ऐसे कवर अप हो जाती है, इसको पुश करेंगे तो अपना खुल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, प्रीमियम टच देने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट का स्विच देखने के लिए मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लव बॉक्स आपको ठीक ठाक मिल जाता है नॉर्मल कार्स की तरह। आपको लेदर रैप नहीं मिलता है, ये एक डिसएडवांटेज है इस गाड़ी की, क्योंकि ये सेकंड टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें एटलीस्ट आपको एक लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील प्रोवाइड करना चाहिए। अगर मैं प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो गाड़ी में प्लास्टिक क्वालिटी कुछ ज़्यादा मेरे को कुछ ज़्यादा खास लगी नहीं, हालांकि ये वुडन बीडिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, प्लास्टिक क्वालिटी मेरे को ऐसा कुछ अच्छी लगी नहीं है। मतलब यू नो, इसमें फील अभी भी आ नहीं रहा है कि आप 10-12 लाख रुपए की गाड़ी में बैठे हुए हो। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो पीछे की तरफ मैं दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी स्पेस देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ आपको, मतलब अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है पीछे आपको। यहीं पे आपको पीछे की तरफ एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, ये तो अब कॉमन ही हो चुका, हर गाड़ी में देना ही पड़ रहा है लोगों को। नीचे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है जहाँ से आप अपना चार्जिंग वगैरह लगा सकते हो। नीचे उसके छोटा सा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है विद कप होल्डर्स के साथ साथ, और पीछे से कुछ कैबिन ऐसा नज़र आता है। ऊपर की तरफ आपको लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है पीछे वाले लोगों के लिए, जो कि यहीं से जल जाती है बोथ साइड। और ग्रैब हैंडल की अगर मैं बात करूँ, एज यूजल जो हर कॉमन मारुति नेक्सा की गाड़ी में प्रोवाइड हो रहा है वही इसमें मिलता है स्प्रिंग वाला। इसका कुछ ऐसा आपको सेंटर कंसोल देखने के लिए मिलता है, तो डुअल टोन में गाड़ी सारी देखने के लिए मिलती है, बेज और ब्लैक कलर में आपको बहुत प्यारी प्रीमियम लुक आती है गाड़ी। और इसके अंदर एक जो खास बात है मारुति ने जो अपनी गाड़ियों के अंदर एक चेंज किया है वो है सबसे बड़ा स्मार्ट हाइब्रिड। आप देख सकते हो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी गाड़ी में अपनी में प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक मिनी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है जिसके बाद आपको एक अच्छी माइलेज आपको मिलती है। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ तो इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है, BS6 कंप्लायंस इंजन है लेटेस्ट जो चल रहा है अभी, और ये आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, 4 सिलेंडर इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हो गाड़ी में स्पेस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मारुति में एज यूजुअल हर गाड़ी में जो मैंने नोटिस किया यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस दे देते हैं पता नहीं क्यों, बट स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा दे रखा है गाड़ी के अंदर, आप इजीली कोई भी मैकेनिक वगैरह वर्क कर सकते हैं। फिर अगर मैं पावर की बात करूँ तो गाड़ी की पावर आपकी जनरेट होती है इसमें 103 BHP आपको मिलती है इसमें, वहीं साथ साथ आपको 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में। वहीं पर प्रॉपर ऊपर की तरफ आपको इंसुलेशन की हुई है गाड़ी में, कवरिंग की हुई है प्रॉपर। तो इसको कर देते हैं अपन बंद। एक चीज़ बताना भूल गया आपको, माइलेज तो गाड़ी की जो कंपनी माइलेज कर रही है वो कर रही है 20 किलोमीटर पर लीटर, बट अभी जिनकी ये गाड़ी है मैंने उनसे बात करी है तो ये अराउंड 11 से 13 तक के बीच में अभी लेट माइलेज दे रखी है। गाड़ी को ज़्यादा दिन नहीं हुए, 5 से 6 दिन गाड़ी को लिए हुए हैं टोटली। तो ये तो थे मेरे एक रिव्यू छोटे से मारुति सुजुकी सियाज के लिए जो कि जीटा वेरियंट है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में एक नई मशीन के साथ, उसका भी रिव्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।